नमस्कार। भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर में विभिन्न नृत्यों का खजाना है। इसी श्रेणी में एक विशिष्ट स्थान रखता है कथक नृत्य। कथक नृत्य की जयपुर शैली के प्रमुख उत्तराधिकारी पंडित गिरधारी महाराज जी की शिष्या मनीषा गुलियानी, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कथक नृत्य से अपनी पहचान बनाई, आज हमारे साथ है। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राजस्थान, पश्चिम राजस्थान के आज के इस बातचीत के सेशन में। थैंक यू सो मच इस्मा जी, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन हियर। सो आर वी मनीषा जी, मगर यहाँ मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी मनीषा जी के अचीवमेंट्स के बारे में। बाली स्पिरिट फेस्टिवल, सिल्क रोड्स प्रोजेक्ट वेनिस, नानिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल चाइना, साथ ही साथ स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, यूएसए, नेदरलैंड्स आदि कई देशों में मनीषा अपने नृत्य पेश कर चुकी है। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव थिरक उत्सव की क्यूरेटर मनीषा गुलियानी जी को कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। टू नेम अ फ्यू, नाट्यश्री पुरस्कार, एकलव्य सम्मान, वुमेन्स अचीवर अवार्ड फिक्की फ्लो जयपुर, पद्मिनी नारी गौरव यूथ आइकन अवार्ड, इंटरनेशनल सूफी फेस्टिवल इंडिया गोल्ड अवार्ड और बहुत कुछ। और हाँ, खास बात जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मनीषा जी आजकल सुश्री प्रेरणा श्रीमाली जी से भी नृत्य सीख रही है। क्या कहने अनिशा जी, बहुत कुछ है आपके बैलेंस तले। तो सबसे पहले अगर आपके सफर की शुरुआत के बारे में बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि कथक की ओर आपका झुकाव कब हुआ और क्या आपको परिवार से नृत्य और कला का परिवेश मिला है? मेरा कथक का झुकाव जो है, मुझे लगता है जब मैंने गुरु जी से सीखना शुरू किया, पंडित गिरधारी महाराज जी से, बहुत कम उम्र में ही मुझे उनका सानिध्य मिल गया था। शायद मैं जब 8 बरस की रही होंगी, और क्योंकि उससे पहले मैं जयपुर कथक केंद्र में ही एक और गुरु थे, उनसे सीख रही थी। पर जब मैं उनके सानिध्य में आई तो मुझे लगता है उनके सिखाने का तरीका इतना बेजोड़ है कि बस उनके साथ जुड़ी तो ऐसा लगा जैसे मैं कथक के साथ जुड़ गई। और इसके साथ कहाँ तक आगे जाना है वो तो ये नहीं पता, लेकिन उनके साथ जो भी समय गुजरता था या कथक को वो जिस अंदाज से सिखाते थे, तो मुझे लगा कि मैं कथक के साथ, मुझे इतना पता था कि मैं कथक के साथ हूँ। जीवन में कहाँ तक हूँ ये नहीं पता, लेकिन जब तक हूँ तब तक उसके साथ। सो आई गेस इट्स अबाउट माई गुरु कि उन्होंने जिस तरह से सिखाया तो उन्होंने अपने आप कथक से प्रेम करना सिखा दिया। और जहां तक बात रही कि परिवार से, तो नहीं, मेरे घर में इट्स लाइक कम्प्लीटली इट वॉज अ नॉन म्यूजिकल फैमिली, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसा कि पेरेंट्स को लगता है बचपन में कि हमारे बच्चा शायद कुछ कर सकता है, तो बहुत ही कम उम्र में उन्हें ऐसा लगा कि मैं शायद डांस का ट्रेनिंग लूँ तो शायद उसको आगे ले जा सकती हूँ। तो इट वॉज देयर इनिशिएटिव कम्प्लीटली, क्योंकि उस समय इस तरह से सोचना भी इट वॉज नॉट दैट कॉमन, राइट? तो पिताजी ने ऐसा सोचा और मुझे दाखिला दिलवाया, और फिर कंसिस्टेंटली उन्होंने मुझे उस ट्रेनिंग को फॉर्मली पूरा करवाया बिना रुके। तो ये पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। क्या कहने, सच में आपका पैशन ही है हम कहेंगे, और साथ ही साथ हाँ बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जानना चाहेंगे आपसे मनीषा जी की जयपुर कथक घराना बाकी यानी लखनऊ और बनारस घराने से किस तरह से अलग? अलग माने जयपुर घराने के लिए मैं कह सकती हूँ कि जयपुर घराने में अगर हम जब देखते हैं तो हमें संपूर्णता देखने को मिलती है, क्योंकि कथक या किसी भी नृत्य के दो पक्ष होते हैं, लास्य और तांडव। लास्य जो है वो उसका फेमिनिन एस्पेक्ट है और तांडव उसका मेल एस्पेक्ट है। तो हर डांस दोनों से जुड़ के बनता है। तो जब हम जयपुर घराने पे जब हम नजर डालते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों एस्पेक्ट बहुत खूबसूरती से गुथे हुए हैं। और दूसरी बात कि जयपुर घराने का जो रिपर्टोयर है वो बहुत रिच है। यहाँ पर लय का, ताल का, तेजी तैयारी का काम जो है वो बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही रिच है, देखने को मिलता है।
इट्स ऑल अबाउट तेजी, तैयारी, रिच रिपर्टोयर और लास्य, तांडव, भक्ति रस, श्रृंगार रस. और मैं ये भी कहूंगी कि कथक नृत्य का जो शुद्ध रूप है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन रूप जो है या उसकी शुद्धता जो है, वो आज भी जयपुर घराने के कथक नृत्य में देखने को मिलती है. जबकि बनारस घराना जो है वो एक अलग विंग है, वो जो कि इनडायरेक्टली जयपुर घराने से ही निकला है, क्योंकि यहीं से जो सुखदेव महाराज जी हैं वो यहाँ से गए थे. जानकी प्रसाद घराना जो है, जानकी प्रसाद जी यहाँ से गए थे और बीकानेर से, और उन्होंने वहां जाकर बनारस घराने की नींव रखी. क्योंकि कथक नृत्य में क्या होता है, जनरली तबले और पखावज के जो बोल हैं उसका बहुत डोमिनेंस होता है, मगर उन्होंने वहां पर नृत्य के इस तरह के बोलों की रचना करी कि जिसमें तबले और पखावज के बोलों की आवश्यकता नहीं है, नृत्य के बोल पर ही उन्होंने उसको इतना रिच कर लिया कि वो एक घराने के रूप में, समृद्ध रूप में हमें मिला. एंड देन लखनऊ घराना इज अगेन, इट्स अबाउट मोर, मुझे कहना चाहिए, जहां आपको मुस्लिम कल्चर, नवाब, क्योंकि वो नवाबों के कोर्ट्स में प्रस्तुत किया जाता था, तो वहां पे आपको उसकी एक दूसरी झलक देखने को मिलती है. तो मैं कहूंगी जहां जयपुर घराने में आप अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं कथक के, तो वही खूबसूरती है कि हमें लखनऊ घराने में लौकिक स्वरूप देखने को मिलता है, और बनारस घराना अपने आप में एक एकदम जुदा है. तीनों के बहुत खूबसूरत रंग हैं और तीनों की अपनी अलग अलग बात है. बिल्कुल, हर नृत्य शैली अपने आप में सुंदर है, अपने आप में खास है, हर किसी का अपना ही एक अलग, हम कह सकते हैं, फ्लेवर होता है. मनीषा जी, कथक नृत्य एक बहुत ही सुंदर नृत्य की शैली है जिसमें बहुत सारे भावों का समावेश होता है. हमारी नई पीढ़ी इससे कनेक्ट कर पाती है या नहीं, ये खास सोचने की बात है. तो इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए, कथक नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? कथक नृत्य की परंपरा को मुझे लगता है अभी तो बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं और काफी लोग धीरे धीरे इसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं लाइक स्पिक्म के, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, और दूसरी बात, आज के जो परफॉर्मर्स हैं वो जिस तरह से कथक को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से वो उसमें नवीनतम प्रयोग कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इवन आज भी जो यूथ है या आज के जो बच्चे हैं या जो आज के पेरेंट्स हैं, वो हर कोई चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हम कथक से जुड़ सकें. तो मुझे लगता है कि अभी तो इट्स अ गोल्डन टाइम पीरियड विच इज गोइंग ऑन. बस ये है कि उसकी शुद्धता को संभाल के रखना है, क्योंकि अभी इतना कुछ अवेलेबल है कि इट्स वेरी इजी टू मिक्स एंड फ्यूज एंड यू नो टू क्रिएट समथिंग न्यू, बट देन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसकी शुद्धता, उसकी गरिमा, और क्योंकि वो अपने आप में इतना रिच हेरिटेज है कि उसको हम एज इट इज बनाए रख सकें और उसको ले जा सकें, क्योंकि जो रस है और रस की उत्पत्ति है वो तभी उस होता है और उसका आनंद जो है, चरम आनंद हमें तभी मिलता है. ऐसा सही सही कहा आपने बिल्कुल, कि हम भले ही कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन यदि वो चीजें ट्रेडिशन के एक फाउंडेशन पे नींव पर बनती है तो ज्यादा अच्छा लगता है. तो ये तो हुई बात कि हम कथक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं. अब बात आती है कि कथक नृत्य हमें किस तरीके से मोटिवेटेड रखता है, वो क्या कुछ हमें दे सकता है, ये जानना भी हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आई ऑलवेज से वन थिंग कथक के बारे में, ये हालांकि मैंने कहीं पढ़ा था बहुत सालों पहले, कथक के संदर्भ में तो शायद नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने उसको कथक से जोड़ लिया और मुझे ऐसा लगता है कि तीन एस्पेक्ट्स, बॉडी, टाइम और दूसरी बात एक्सप्रेशंस, ये जो तीनों चीजें हैं जब आप कथक करने लगते हैं या आप जब किसी कला से जुड़ जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं. जब आप किसी कला से जुड़ते हैं तो आप उसमें कंप्लीटली फोकस्ड होते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो भूत और भविष्य से अलग हो जाता है. सो इट्स अ वे, यू नो, इट्स अ प्रैक्टिस कि आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं. तो मुझे लगता है आप किसी भी कला से जुड़ते हैं तो वो आपको एक तरीका दे देता है, इजाद, मतलब एक आपको एक प्रैक्टिस करवाता है हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, आई गेस विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिंदगी जीने के लिए. और दूसरी बात, ये कथक की बात करूं तो कथक में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
तो अगर जब आप कथक से जुड़ते हैं तो आप समय को समझने लगते हैं, समय की कदर करना सीखते हैं, लय को समझने लगते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ लय ताल और समय में गुथा हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कथक अपने आप ही आपकी झोली में दे देता है। दूसरी बात, सर्टेनली अगर आप डांस कर रहे हैं तो आपको बॉडी की समझ बहुत खूबसूरती से आ जाती है। यू बिकम अवेयर अबाउट योर बॉडी, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनली टू। शिक मतलब शिक से लेके नख तक आपको अपने शरीर के बारे में पता होता है, तो आप फिटनेस, बॉडी, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। और तीसरी चीज एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति। जब आप डांस करते हैं तो आप अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है सब सारे लोगों को या जीवन में हम सबको इसकी जरूरत होती है कि हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। बीइंग अ डांसर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि यू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो ये तीनों चीजें, चारों चीजें मैं कहूंगी कि लिविंग इन प्रेजेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, बॉडी एंड देन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ये चारों चीजें ऐसी हैं जो आप कथक से बखूबी ले सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कथक नृत्य, यूं तो कोई भी नृत्य शैली, लेकिन कथक की यदि हम बात कर रहे हैं तो कथक नृत्य अपने आप में एक होलसम एक्टिविटी है। इसे सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस की तरह नहीं समझा जाना चाहिए डांस को, नृत्य को, बल्कि ये माइंडफुलनेस जैसे कि आपने कहा वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से हम सबको देती है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत रहती है। मनीषा जी, आपकी जर्नी एक सक्सेस जर्नी है, आप एक सक्सेसफुल नृत्यांगना है जिन्होंने देश और विदेश में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की हैं। तो क्या आपके लिए चैलेंज था एक महिला होते हुए अपने शौक को अधिक वक्त देना और ये सब कुछ, यानी आर्ट, वर्क, लाइफ, इन सब की बैलेंसिंग किस तरह से कर पाई आप? इट वाज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग, इट इज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मेरी जो गुरु हैं प्रेरणा शिवाली जी, उनके उनसे मैंने ये बात सुनी है कि डांस का ट्रेनिंग करना एक अलग बात होती है और डांसर बनना एक अलग बात होती है, लेकिन उसे सस्टेन करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो इट वाज एक्चुअली ऑलवेज अ चैलेंज, चैलेंज इन अ वे कि जब मैं सीखने जाती थी तो इट वाज नॉट इजी, क्योंकि मेरा डिस्टेंस होता था एवरी डे, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर्स, यू नो, हम ट्रैवल कर रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज वापस आ रहे हैं, तो एवरी डे वो 4-5 घंटे का चंक जो है वो मैं अपनी ट्रेनिंग पर डाल रही हूँ। सो इट वॉज नॉट ईजी इन अ वे कि जब तक आपको उसको करना ही है, यू नो, आप तो पैशनेट होना जरूरी है, देन सर्टेनली आप यू नीड सपोर्ट, क्योंकि एक छोटी उम्र में आप बिना परिवार के सपोर्ट के उसको ट्रेनिंग को नहीं कर सकते, तो वो ट्रेनिंग का सपोर्ट मुझे मिला। तो इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, जस्ट बिकॉज कि येस आई हैड टू, यू नो, मुझे सारी चीजें कि जो बच्चे जिस उम्र में खेलते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सब कभी नहीं किया। आई रिमेम्बर 7 बरस की थी तब से रोज कथक केंद्र जा रहे हैं और रोज वापस आ रहे हैं, तो वो जो एक होता है वो हमने कभी नहीं किया। उसके बाद देन आई गॉट मैरिड, सो इट वॉज कम्प्लीटली माई मेरे जो परिवार है, जो मेरा ससुराल पक्ष है, उनका सपोर्ट कि नहीं आप नृत्य के लिए बनी है और आप प्लीज डांस करिए। तो बट देन उन्होंने जब इतना खुल के बोल दिया तो बीइंग अ डॉटर इन लॉ आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं परिवार के प्रति, और हम लोगों का जो इंडियन माइंडसेट है उसमें स्पेशली इंडियन वुमेन, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो सामंजस्य बनाए रखें। तो मैंने उसकी भी कोशिश करी और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रही, तो मैं कहूंगी कि हाँ, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज आई वॉज वेरी पैशनेट जो मैं कर रही थी उसके लिए, और मैं जीवन में जो भी करती हूँ, छोटा काम भी करती हूँ, तो मैं उसको पूरा पैशन के साथ करती हूँ। सो आई वॉज एंजॉइंग, क्योंकि सपोर्ट था सब जगह से, कहीं ऐसा नहीं था कि आपको नहीं करना है, तो आई वॉज डूइंग इट। बट येस, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, और जब आप कला में जब बहुत आगे निकल जाते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ये अब है, क्योंकि कला में आप जितना आगे निकल जाते हैं वो आपसे उतने ज्यादा समय की डिमांड करता है, उतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड करता है, क्योंकि आप उसमें गहरे घुसते चले जाते हैं, और फिर आपको अपने परिवार से और समाज से और आपकी जो भी इंगेजमेंट्स हैं उनको
यू नो साइड लाइन करके आपको कला को समय देना होता है. सो इट इज रियली डिफिकल्ट एंड यू हैव टू मैनेज, और उसके लिए यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन लाइफ, ताकि आप सारे पक्षों के साथ न्याय कर सकें. लेकिन मनीषा जी, मुझे लगता है कि ऐसे में हम ये जरूरी है कि हम अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन रहें, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है इंस्पिरेशन फिगर का, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर होता है जो आपको इंस्पायर कर रहा होता है. जानना चाहेंगे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है. देखिए, जहां तक बात इंस्पिरेशन की है, तो आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवेयर. जहां से कुछ अच्छा मिल जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ. और कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं आई एम इंस्पायर्ड, यू नो, कि मुझे मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ. बट यस, जो मेरी गुरु हैं प्रेरणा श्रीमाली जी, मैं उनसे जरूर इंस्पायर हूँ. जिस तरह से वो कथक को सोचती हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. सो दैट्स इट. So glad to know. और अब जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी, आपके सफर का कोई ऐसा खास मोमेंट जो बहुत मेमोरेबल हो किसी भी तरीके से, वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. अच्छा, किसी भी तरीके से? ओ माय गॉड, तो फिर ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं. आई थिंक मे बी मदरहुड. जब मेरा बेटा हुआ था तो इट वॉज इट्स you know, I mean, it's an unbelievable and the most beautiful feeling ever ki aapka ansh ya aapka vistar aapke saath hai. Acha, isme bhi ek bahut khaas baat ye hai ki being a kathak dancer, meri ye aadat hai ek eyebrow upar karne ki, right, hamesha aise rehne ki. To jab mera beta hua tha aur pehli baar jab meri god mein wo aaya, to uski eyebrow aise hi thi, you know, it was same, and I was like, maine usko dekha and I was like, main kaha ha ha theek hai, ye mera hi hai, you know. that types. So haan ji, to yahi sabse khoobsurat feeling to yahi hai. Baki otherwise jab bhi mujhe kabhi agar apne guru se prashansa mili hai नृत्य करते समय या मंच पर अगर वो हैं, मेरा नृत्य देख रहे हैं, तो दैट दोज मोमेंट्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ. जब आपको कभी अपने गुरु से एक शाबाशी का एक शब्द या दो शब्द सुनने को मिल जाए, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया की बातें एक तरफ और वो गुरु के दो शब्द एक तरफ. सो यस जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए, एक परफॉर्मर के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि उन्हें अप्रिसिएशन मिले, और यदि गुरु से मिले तो फिर तो क्या कहें. मनीषा जी, हमारे व्यूअर्स में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डांसिंग की फील्ड पर अपना करियर बनाना चाहते हैं या नृत्य की कला का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं. तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि वो बडिंग आर्टिस्ट जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स, कोई मैसेज, कोई संदेश? उनके लिए मेरे पास यही टिप्स हैं कि बहुत मेहनत करनी होती है, तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, डेडिकेटेड. और आप जरूर आए, क्योंकि ये उस तरह का फील्ड है जिसे कहते हैं ना कि गूंगे का गुड़, जिसके पास होता है वही इसका आनंद ले सकता है. तो आप जरूर इसके साथ जुड़े. इट्स अनदर फीलिंग. ये आपको जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देता है और आपको एक अलग ही मैं कहूंगी कि आपको एक अलग इंसान बना देता है जब आप इस बहुत मजबूती से जुड़ते हैं. तो आप जरूर इसके साथ जुड़िए. बहुत सारा पूरा आसमान खुला है और रसिक गण है आपको देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत करनी है. मतलब कभी ये मत सोचेगा, इट्स नॉट लाइक कि 4 साल का हम लोगों ने इंजीनियरिंग का कोर्स किया एंड देन यू नो यू आर एन इंजीनियर. इट्स नेवर लाइक दैट, राइट? इट्स लाइक एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, एवरी डे यू हैव टू एक्सप्लोर, एवरी डे. मतलब हम जब रोज शुरू करते हैं तो रोज हमें लगता है कि आज हम वापस जीरो से ही शुरू कर रहे हैं. सो इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो आप इसीलिए इसका मजा भी है कि रोज कुछ नया है, रोज आपके पास एक नया चैलेंज है, रोज अपने आप को बेहतर करने का चैलेंज है. और आपकी जो होड़ है वो आपकी खुद से है, राइट? किसी और से नहीं है.
तो आइए और द होल वर्ल्ड इज देयर टू अप्रिशिएट यू. दैट्स इट. दैट्स सो सो इंस्पायरिंग मनीषा जी. और इस बातचीत के दौरान मैंने देखा कि जो बातें थी वो सिर्फ एक नृत्य कला के आसपास, कथक के आसपास नहीं घूम रही थी, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे अहम पहलुओं का विकास जो है वो इन बातों को, यदि हम इनका अनुसरण करें, इनको फॉलो करें, तो वो हो सकता है. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा प्रिंसेस जिया कुमारी फाउंडेशन की इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर. I feel myself so lucky that I got this opportunity कि मुझे प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन जी का ये जो इनिशिएटिव है हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, इससे जुड़ने का मौका मिला. और जब ये शब्द आता है ना हमारा राजस्थान, क्योंकि यही पैदा हुई हूँ, यही पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो जब भी राजस्थान के साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, यू नो आई एम ऑन द राइट पाथ. सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग ऑलवेज. एंड मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें और ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम सब लोग जुड़े रह सके, एक दूसरे को देख सके, सुन सके, समझ सके. और एक राजस्थानी, मतलब राजस्थान का जो मतलब हम सब एक साथ जुड़ सके, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है खासकर आज के दौर में. I'm so grateful. Thank you मनीषा जी. और मैं यही कहूंगी कि जैसे आपकी आपने कहा कि जब हम कहते हैं हमारा राजस्थान, तो एक गर्व का एहसास हम सबको होता है. और उससे भी ज्यादा गर्व का एहसास होता है जब हमारे राजस्थान से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे राजस्थान के नाम को विश्व पटल तक ले जाते हैं, जैसे कि आपने किया. हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से इस सुंदर नृत्य शैली कथक को आगे ले जाते रहे और बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करें. आपके कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत